सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे विरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं अध्यास की परिभाषा दोनों श्लोक में बताया गया है। 1137 में अनात्मनि अहम् अनात्मनि अनात्मनि अहम् इति मति ही। बंधन क्या है? बंधन ये है अनात्मनि में अनात्मा में अहम् इति मति बंधा। ये बताया 138 में भी बता रहे क्या? अतस्मिन् तद्बुद्धि ये अध्यास है। बड़ा अच्छा है, महावाक्य जैसा है, सूत्र है अतस्मिन् तद्बुद्धि। और लास्ट में देखोगे यो असत ग्रह सही भवति बंधः। बंध कहाँ होता है? जहां असत ग्रहण करते हो। ग्राह मने ग्रहण करना, असत को पकड़े रखना, असत ग्राह बंधः। शॉर्ट करना चाहते हो छोटा सा, असत ग्राह बंधः। बंधः कह असत ग्राह, बंधः कह अतस्मिन् तद्बुद्धि, बंधः कह अनात्मनि अहम् इति बुद्धि, अहम् इति मति। तीन है, फर्स्ट है अनात्मनि अहम् इति मति, अहम् मति। सेकंड है अतस्मिन् तद्बुद्धि। थर्ड है असत् ग्राहः बन्धः। कितना सुंदर है, छोटा छोटा। जो जरूरत नहीं है वो अन्य से पकड़ कर रखते हैं, जैसे भी शब्द है अब हम लोग ढूंढ रहे हैं वो है। अब माइक नीचे है, मैं बोल रहा हूं साउंड आ नहीं आ रहा है, इसे कोई अध्यास कहते हैं। व्यवहार में ऐसे होता है, कभी कभी आपके सामने आपका कपड़ा सूख रहा होगा, फिर आप बोलते मेरा कपड़ा कहाँ गया, सामने तो देखा, अरे मैंने तो देखा नहीं। भ्रांति। तो जो व्यवहार में भ्रांति होती है वो अनवरत कंटिन्यूस परमानेंट भ्रांति है आत्मा के लेकर के, आत्मा
ऊपर अनात्मा का आभास। जब मनुष्य के अंदर एक नॉट आता है, एक विचार आता है, वो विचार ही बंध जाता है। एक एग्जाम्पल दिया, क्या वो था कीड़ा, रेशम की कीड़ा, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कोशक, कोशक, कोश, रेशम की कीड़ा। मकड़ी का जल अलग, मकड़ी का जल वो निकालता है, वो बंध नहीं जाता है, वो फिर अंदर लेता है। यथा उर्ण नाभि मुंडक उपनिषद, ईश्वर कैसे ये जगत को बनाता है उसके एग्जाम्पल देने के लिए है। और अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर का, वो बताने के लिए मकड़ी का जाल है। यहां कोशकृत को जीवात्मा कैसे फंस जाता है अपने ही बंधन, मान लेता है और उसमें फंसता, वो बताते हैं। ठीक, अगर चले 1, 2, 3, 9 हो गया, कंप्लीट कर लिया। अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा, विवेक भावत्वे स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा, ततो नर्थो व्रातो निपतति समाधातुरधिकन्तः। ततो यो असद्ग्राह स हि भवति बन्ध शृणु सखे, अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा, विवेक भावत्वे स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा, ततो नर्थभ्रातो निपतति समाधातुरधिकः। ततो यो असद्ग्राह स हि भवति बन्ध शृणु सखे, बंधन की दो परिभाषा यहां पर बता रहे इस 1, 3, 8 अतस्मिन् तद्बुद्धि ही, यह अध्यास है। इसमें ज्यादातर अध्यास बताते हैं, उसमें नीचे वाला क्या है, बंधन। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही, अनात्मा में आत्मबुद्धि दोनों होता है, आत्मा में अनात्मा बुद्धि। कैसे अनात्म, आत्मा में अनात्म बुद्धि कैसे हो सकती है? एग्जाम्पल बताओ, मैं पूछ रहा हूं, आत्मा में अनात्म बुद्धि कैसे हो सकती है? आई एम आस्किंग। आत्मा में अनात्म बुद्धि, रस्सी में सब। ठीक, और थोड़ा क्लैरिटी करो। शरीर को मैं मानना, वो अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गया, शरीर अनात्मा है। हाँ सागर, नहीं नहीं नहीं, आत्मा में अनात्मा मानना, यह आत्मा में अनात्मा बुद्धि अर्थ है आत्मा अजर और अमर, और मैं सोचता है मैं मर जाऊंगा। अभी समझ में है? मरना किसका धर्म है? अनात्मा का। तो आत्मा में अनात्मा का आरोपण करना,
सागर अगर समझ लिया कि मैं लहर हूं, तू नहीं, वो सागर इतना बड़ा है और वो लहर देख, लहर रो रही है, क्या हो गया ना, मैं आती हूं जाती हूं, आती हूं जाती हूं, हर क्षण में यही प्रकाश जैसा क्षणिक बोधम वाद है, स्वगत बोधवाद, क्षणिक विज्ञानवाद जैसा, आत्मा आती है जाती है, आती है जाती है। तो सागर को भी एक मुंह सुना गया कि मैं भी आता हूं जाता हूं, मेरे अंदर कितने उत्ताल तरंग होता रहता है, मेरे अंदर कितने तरंग आते हैं जाते हैं, कितने दुखी हूं मैं, जहाज को भी उल्टा देता हूं, टाइटैनिक जहाज को उल्टाया। तो सागर अगर ऐसे समझेगा कि लहर जैसा मैं आता हूं जाता हूं, तो उसको क्या समझेंगे, तुम कभी, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ आती किसमें, नदी में, सागर में बाढ़ आती क्या, नेवी वाले, हाँ चलो कंफर्म हो गया। देखो वो तो तरंग आते हैं, सागर अगर समझ लिया कि मैं होता हूं, जन्म होता हूं, मरता हूं, अरे ये तरंग की बात है, तुम तो पानी ही पानी हो, ना तुम जन्म होते हो ना तुम मरते हो, ऐसे आत्मा में अनात्म बुद्धि, हम अपने आप को समझते हैं मैं तो जन्म होता हूं मैं मरता हूं, अनात्मा में आत्मबुद्धि कैसे है बताओ, दृष्टांत में अनात्मा में आत्मबुद्धि, क्या अपना क्या हमको समझ में नहीं आया, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, सुख दुख किसका धर्म है, मन का, मैंने क्या समझ लिया अपने आप, फिर और बोलो, बहुत एग्जाम्पल मिलेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर मुक्त किसका धर्म है, बंधन में कौन पड़ा है, तभी तो उसको कर रहे हैं ना, तो बंधन में जीवात्मा पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को जीवात्मा समझ, वही हाँ दीपू क्या, हाँ वो अपने प्रैक्टिकल से बता रहा है, अभी 2 दिन से हो रहा था उसको, तो जो शरीर के जो धर्म है वो अपने आप को मान लेते हैं, और शिवानंद आप कुछ बोलेंगे, हाँ अच्छा उसने शिवानंद के लिए बता दिया, शरीर मोटा है मगर मैं अगर मोटा हूं मानता हूं तो अनात्मक लक्षण, 4-5 दिन से पहले जो तेजस का प्रभाव होता क्या, मुंह सूखा हुआ क्या हुआ, शरीर का है अनात्मा का, मगर अपने आप को आरोपित किया, अब हमने कुछ बोला नहीं है समझ गए कुछ लोग, अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा, प्रभवति होता है विमूढस्य मूर्ख व्यक्ति का, तमसा अज्ञान के कारण, विवेक भावत्वे स्फुरति, विवेक अभाव, विवेक भागवत यहां पर विवेक अभाव स्फुरति, ये बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, साधारणतः वेदांत में आज तक आपने एग्जाम्पल क्या देखा था, रस्सी में बोलो ना, थक गए क्या वेदांत सुन सुन के, रस्सी में सांप, अब आचार्य क्या दे रहे,
सांप गलती कर दिया क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना क्या है, रस्सी में सांप होना चाहिए ना, मगर क्या बोल रहे हैं, सांप में रस्सी। अच्छा कोई सांप को रस्सी समझ के पकड़ेगा उसकी हालत क्या होगी, समझिए, एक्सपीरियंस नहीं है। सांप को रस्सी समझ गया पकड़ेगा तो सांप क्या करेगा, रस्सी। तो अनात्मा को आत्मा समझना, ये अनात्मा हमको मारता है, वो एग्जाम्पल अलग दिया है, जानबूझ के दिया है, मत समझना कि गलती हो गई, नहीं तो आप बोलोगे ना 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 स्वामी जी गलत हो गया क्या, रज्जो भुजंगाधिषणा ऐसे होना चाहिए, नहीं, भुजंगे रज्जु धिषणा, सांप में रस्सी भाव। पता है ये कहां पर है, भागवत में है, कहां है? तुम्हें ऐसे ऐसे कर रहा तो मैंने सोचा कि पंडित बोलेगा कुछ, वृंदावन वाले हैं। तुम लोग भागवत के लिए बड़े प्रेमी रखते हो, प्रेम रखते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। कान्हा को 6 महीना हुआ था, 6 दिन हुआ था, कौन आई, कान्हा क्या है, सूर। वेद व्यास जी को लगा श्लोक क्या, जैसे कोई छोटा बच्चा सांप को रस्सी समझ करके पकड़ता है और सांप क्या करता है, डसता है, ऐसे ही पुतना उनको मारने के लिए जाती है, बल्कि वो तो काल का काल है, वो ही उनको मार देंगे, उसको समझाने के लिए बता रहे, समझ में, उसको क्या पता है कि मैं उनको पकड़ूं तो वो मुझे मार देंगे, और वही हुआ, वो दूध देने लगे, भगवान ने क्या किया, दूध भी पिया, प्राण भी पिया, जहर भी पिया, और वो बोलते सामुंच मुंच विशाल मिति भागवत में है, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब कान्हा तो छोटे हैं, 6 दिन का है, वो थोड़ी बोलेंगे, तो उनके तरफ से बोलने के लिए सब साधु संत है, टीकाकार लोग है, कहते हैं मैं पकड़ता नहीं हूं, एक बार पकड़ लिया तो वही है। तो यहां पर भी ऐसे क्या है, भुजंगे रज्जु धिषणा ततो अनर्थ प्राप्त, इसी से ही अनर्थ हो जाता है। अनात्मा को आत्मा मान लेते हैं, जितना दुख का कारण है, रो रहे वे मर गए, वो अनात्मा तो मरने वाला है और उसको आत्मा मान के रखे। अच्छा आत्मा में अनात्मा मानना जितने खतरनाक नहीं है, उल्टा करो, अनात्मा में आत्मा मानना उतना खतरनाक ज्यादा है, इसलिए देखो ना यहां शब्द क्या कहता है, ततः अनर्थ प्रातः, अनर्थ प्रातः माने संकट खतरे में होता है, निपतति समाधातु अधिक, निपतति में पड़ता है, खतरे में पड़ जाता है, समाधातु जकड़ लेता है, अधिक अच्छी तरह से, ततः यो यसद्ग्रह, ततः माने जहां पर, इसलिए, तस्मात, इंग्लिश में देर फोर, गणित में देर फोर तब होता है जब लास्ट में होता है, देर फोर एक्स इज इक्वल टू 5, Therefore, तथा क्या बताना चाहिए, बंधन क्या है, तीन तीन सूत्र बता रहा है, याद रखना, पहले वाला क्या था, अनात्मनि आत्मबुद्धि, और अभी क्या है, अतस्मिन् तद्बुद्धि, और अभी क्या है, असद्ग्राह बंधन,
थोड़ा सा वाक्य बनाना चाहते हो तो असत ग्रह भवति बंधः। सिंपल छोटा सा मैथमेटिकल करना चाहते हो, बंधन क्या है? असत ग्रह, असत ग्रह ने असत को पकड़ना, असत को पकड़ना ही बंधन है। बंधन माने क्या है? बांधना। किसी रस्सी से बांधते हैं ना, तो रस्सी के द्वारा बांधा जाता है। वो है बंधन। भगवान और हमारे में क्या फर्क? हमारे में क्या फर्क है? हम खुद बंध जाते हैं तो दूसरे को मुक्त कर सकते क्या? हम अगर बंधे हुए दूसरे को मुक्त कर सकते हैं, मगर भगवान बंधे भी हुए हैं तो दूसरे को मुक्त करते हैं। कहानी बताओ, यमलार्जुन कौन है? वो थे अभिशाप मिला था कुबेर के दो पुत्र, क्या क्या है? मणिग्रीव नल कुबेर। ये मणिग्रीव और नल कुबेर ये दोनों को मुक्ति कर दिया। खुद बंधे हुए किसमें बंधे हैं? मेखला से उखल। ये विशेषता भगवान है। ठीक है, एक कहानी सुनोगे? बंधन खुद अगर है तो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते। एक राजा थे, पंडित आते थे बुढ़ा होकर, वो रोज भागवत पढ़ते थे। राजा गुजर गए, उनका युवराज राजा बन गया। वो थोड़ा सा तार्किक वाला था, वेदांत वाला था। पूर्व काल में हमारा ब्रह्मचर्य बल के गया था, ज्ञान उसको है, थोड़ा भोग प्रवृत्ति था, ये करूंगा वो करूंगा इसलिए राजा बना हुआ। वेदांत सॉलिड है, उसको नॉलेज ज्ञान है। गलती करेगा तो वो जो घूम रहे हैं वो वाला, तो उसने गलती नहीं किया, भोग किया। उसने कहा कि पंडित जी भागवत क्यों पढ़ते हो? भागवत पढ़ने से होता क्या? पंडित जी भी तुम्हें तो पता था नहीं। मैंने कहा कि देखो मेरे पिताजी पढ़ते थे तुम्हारे पिताजी को, फिर मैं पढ़ने लगा, बस यही है ना। क्या भागवत से कुछ ज्ञान प्राप्त किया? भागवत पढ़ करके आप मुक्ति हुए? उसको याद था भागवत के द्वितीय स्कंध में मुक्ति की परिभाषा बताई गई है। आप सिर्फ पढ़ते हो श्लोक है, मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। खुद आप बंधन में हो, खुद आप मुक्त नहीं हो, तो क्या आप दूसरे को मुक्त करा सकते हो? नहीं। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। राजा तो है एक्सपेरिमेंट करने वाला, तुरंत रस्सी मंगाया, दो रस्सी मंगाया सेवक को और कहा कि बांधो ब्राह्मण पंडित को। तो सेवक बड़ा खुश है, पंडित बहुत गड़बड़ करता है, ये भी मांगता है वो भी मांगता है ये भी मांगता है, शिवानंद जैसा, तो इसलिए बांध दिया तुरंत, तुरंत बांध दिया। फिर सेवक को कहा उस खंभे में मुझे भी बांध, एक खंभे में उसको एक खंभे में उसको, उड़ने लग बांधो, बांधा। अभी दोनों बंधे हुए, कौन बंधे? पंडित भी और राजा भी। फिर कहा कि पंडित जी मुझे मुक्त कीजिए। पंडित जी क्या बोले? मैं भी बंधा हूं, कैसे मैं मुक्त कर सकता हूं? फिर राजा ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, खुद आप बंधन में हो तो आप भागवत मुझे सुनाओगे तो मुझे मुक्त करा सकते हो? पंडित जी को लगा क्या एक यंग राजा मुझे थप्पड़ मारा, तो वो चला गया छोड़ के। ध्यान रख दिया, बहुत साल के बाद जब आया तब राजा पूरा प्रणाम किया, कहा पंडित जी अब मैं जानता हूं। फिर पंडित जी ने हाथ जोड़ा, राजा
ये आपकी बदौलत हुआ। आपने अगर ये मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो मेरे अंदर वैराग्य नहीं आता। उन्होंने पूछा, हे राजन, आप यंग है, आपको ये पता कैसे चला? वेरी सिंपल, चिन्मय तपोवन ट्रस्ट में पिछले जन्म में मैं ब्रह्मचारी था। मेरा आचार्य भी माधवानंद जी थे। कहानी बनाने में क्या तकलीफ है? कहने का मतलब क्या है? खुद बंधे हुए तो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकते। तो असंग्राह बंधा, असत को पकड़े होंगे यही बंधा है। कितना सुंदर है। एंड आचार्य के अंदर एक प्यार आती है, इसलिए उन्होंने क्या कहा बोलो ना, श्रणु सखे ए सखा। भाजी को में प्यार प्यार कुछ नहीं होता था, वो गुस्सा करते थे। पहले श्लोक क्या था? मूड मते। फिर धीरे धीरे प्यार होने लगे, फिर क्या बोलने लगे? भ्रातः। मालूम है कि नहीं? फिर लास्ट में क्या बोलने लगे? भक्त नहीं है लास्ट श्लोक, भक्त श्लोक निकालो। अजय लास्ट का मतलब 31 या गुरु चरणा। देखा स्वामी जी, हम लोग रोज पढ़ते हैं पर ये हमको स्ट्राइक नहीं करते, और आपने बता दिया। देखो तीन स्तर है, पहले वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, बढ़ गया है। पहले जब अंदर घुसते हैं आश्रम में तो क्या बनकर के आते हैं? मूढ़। धीरे 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 परिवर्तन होते हैं तो क्या हो जाते हैं? फिर लास्ट में हम क्या बन के जाते हैं? ठीक 139। अखंड नित्यानंद बोध शक्त्या, स्फुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम्, समागृणोत्यावृति शक्तिरेषा, तमोमयी राहुरिवर्कबिम्बम्। गुरुजी, आपने जो कहा कि बंधन, आपने जो कहा कि अभी अनात्मनी आत्मबुद्धि अभ्यास ये जो बांध देती है, ये जो ढक लेती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, वो हम जानना चाहते हैं। तो सुनो, तमोमयी आवृत्ति शक्ति ऐसा अन्वय करके पढ़ते हैं तो समझ में आए। तीसरा चरण में देखो शब्द आवृत्ति शक्ति ऐसा, ऐसा मैंने दिस, यह आवृत्ति शक्ति, आवरण शक्ति। अज्ञान की दो शक्ति है, आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति, ऐसा ये आवृत्ति शक्ति, आवरण शक्ति। और आवरण शक्ति तमोवायी और विक्षेप शक्ति रजोमयी। तो एक तमोमयी है और एक है रजोमयी, वो आ जाएगा बाद में। तमोमयी, तमोमय मन क्या क्या है, ढक लेता है। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं, राहु इव अर्क, अर्क माने सूर्य, राहु 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 मालूम, मालूम है राहु केतु, वो एक असुर था, कट हो गया। तो ऊपर जो है वो राहु है और नीचे वाला क्या है? गुस्से में क्या करता है? वो सूरज और चंद्र को निगलता है,
ये कहानी है पुराणों में। विज्ञान के अनुसार हम क्या देखते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में कौन है, चंद्र। और चंद्र ग्रहण में क्या क्या होता है, चंद्र और सूर्य के बीच में, ऐसे ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण में हमारी जो दृष्टि है डायरेक्ट सूर्य में नहीं जाता है, वो एक व्याघात आ गया। एग्जाम्पल से देखना है क्या, अगर डायरेक्ट सूर्य है तो सूर्य को देख रहे हैं, व्याघात आ गया। कौन व्याघात है, चंद्र। इसी प्रकार आत्म तत्व में बीच में व्याघात आ गया, उसको बोलते हैं अनात्मा। शरीर मन बुद्धि, ये शरीर मन बुद्धि आवरण प्रकृति स्वभाव ये बाधा, इसके कारण देख नहीं पाते। और ये तमोवृत्ति है, अखंड नित्य अद्वय बोध शक्तिया स्फुरंत आत्मान अनंत वैभव समावृणती। समावृणती माने आवृत कर लेता है, किसको, उस अखंड अद्वय परमात्मा। संभव है क्या अखंड, जो अखंड है अनंत है उसको कोई ढक सकता है, नहीं। मगर हमारी दृष्टि के कारण, अभी आप लोग मेरे मुंह देख रहे हो ना, स्पष्ट देख रहे हो, कहाना तो करो, पसंद नहीं है फिर भी देखना पड़ेगा ना, ओके। अब दिखाई देगा, शिव हरि देख लेगा बहुत मुश्किल, अभी दिखाई दे रहा ये कौन है, यही बंद कर दिया है कि नहीं। अच्छा जब ये आया मेरे मुंह में कुछ फर्क पड़ा क्या, मुझे क्या फर्क पड़ा क्या, आपको फर्क पड़ा, आप मुझे नहीं देख पाए, किसके कारण, आवरण के कारण। इसी प्रकार जो देखन हार है, जो दृष्टा है, जो देखन देखने वाला है, जो जीवात्मा है, वो आत्मा को नहीं देख पाता है। इसके लिए पर्दा कौन है, आवरण शक्ति। आवरण शक्ति के फिर कार्य कौन है, माया प्रकृति, फिर ये सब है, शरीर मन इंद्रिय, इनके कारण हम देख नहीं पाते। सामने कौन है, शरीर है, तो तुरंत शरीर जब है फटाफट लग जाता है कि मैं शरीर, बस मैं शरीर हूं, इतना हो गया ना, वो बंद कर दिया कि मैं आत्मा हूं। फिर प्राण, मैं प्राण हूं, बस उसने शुरू कर दिया। अच्छा यहां तो लिटरली चाहिए होता है, वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, वहां केवल एकमात्र कोई भी एक उपाधि आ जाती है, उपाधि को मना नहीं कर सकते, उपाधि को मना नहीं कर सकते। उपाधि अनात्मा होते हुए भी उसके पास ताकत है क्या, उपाधि के पास ताकत नहीं है, मगर ये अज्ञान के कारण
हम समझ बैठते हैं। आगे के एग्जाम श्लोक में आएगा, सूर्य को ढकने के लिए क्या बादल के पास ताकत है? बादल बना कहां से? सूर्य से। क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी है, हम बादल देखते हैं इसलिए सूर्य को नहीं देख पाते। थोड़ा सा अपोजिट हो जाए, जहां बादल नहीं है वहां चला जाओ तो वहां सूर्य प्रकाशमान है। तो ये दृष्टि की बात है, ज्ञान और अज्ञान की बात है। तो समावृणति समझाने के लिए केवल बोल रहे हैं कि ढक लेता, सचमुच कोई ढकना नहीं है, केवल ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान के कारण ही हम शरीर को मैं मान लेते हैं, इंद्रियों को मैं मान लेते हैं, बस दोनों एक साथ नहीं चलते। सूत्र बताया था, मनस लिंगम युगपत ज्ञानम उत्पत्यते, बताया था ना, उस मंगलम में बताया था, बोला पिछले जन्म में कभी बताया होगा आपने, यहीं पर ही बताया था। मनस लिंगम, मन का लक्षण क्या है? युगपत ज्ञानम न उत्पत्यते। अगर अनात्मा मैं हूं समझ रहे, मैं शरीर हूं, तो कभी भी मैं आत्मा हूं नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, मैं आत्मा भी हूं मैं शरीर भी हूं ना। तो मैं शरीर हूं, हालांकि मैं शरीर हूं कोई नहीं बताता, क्योंकि धर्मी अध्यास नहीं है, इसमें क्या है, धर्माध्यास है। तो मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अंधा हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यास हूं, प्यासा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। अगर ये है, फिर जो असली आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य नहीं आएगा, दोनों में कोई एक आएगा, इसको बोलते समावृणति। अखंड नित्याद्वयभूत शक्त्या स्फुरंतम, वो आत्मचिन्ह आत्मशक्ति स्फुरंतम है, चैतन्य स्वरूप है, स्फुरंतम आत्मानं अनंत वैभवं, वो आत्मा है अनंत वैभव है। समावृणोति आवृति शक्ति एषा, समावृणोति उसने बंद कर दिया, ढक दिया, किससे? आवृति शक्ति से। क्लियर? फिर उसके बाद 140 बोलते हैं, तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरयत जीवति पुमान्। तेजोवति पुमान्, तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति पुमान्। अनात्मानं मोहादहमति शरीरं कलयति, ततः काम क्रोध प्रभृति विमग्नं बन्धनगुणैः। परं विक्षेपाख्या रजसौरुशक्तिर् व्यथयति, पुमान करो लास्ट में जो है ना, पुमान, फिर अनात्मनि करो, फिर एक बार पढ़ें, तिरोभूते स्वात्मन्यमलतर तेजो बते पुमान, अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयते, ततः काम क्रोध प्रभृतिभिर्रमं बन्धनगुणैः। भ
परम भिक्षेपाख्यारजसगुरुशक्ते व्यथयति। जब मनुष्य का अत्यंत तेज भय तिरोभूते स्वात्मने अमल तर तेजोवती पुमान, अत्यंत तेज भय अति निर्मल आत्मतत्व उसके अनुभव क्षेत्र से तिरोभीत हो जाता है, साक्षात अपरोक्ष अनुभव से तिरोभूत हो जाता है। अर्थात उसको अनुभव करना चाहिए, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, वो नहीं होता। तब अज्ञान के कारण वो व्यक्ति देह को ही जो कि अनात्म तत्व है आत्म तत्व मान लेता है। अनात्मानं मोहा अहम इति शरीरं कलयति। अनात्मानं मोहा अहम इति शरीरं कलयति, अनात्मा को ही आत्मा मानना, अनात्मनि आत्म बुद्धि ही अध्यासा। हम लोगों ने क्या देखा, अनात्म ने अहम बुद्धि, इसको थोड़ा सा आत्म बुद्धि करोगे समझने के लिए तो भी अध्यास है। बंधन क्या है, अनात्म ने आत्म बुद्धि, अनात्म ने आत्म बुद्धि अध्यास है, इसको यहां पर करोगे। अनात्मान मोहात अहम इति शरीरम कलयति, मैं शरीर हूं ये कल्पना करता है। और मैंने बताया था ना, मैं शरीर हूं कोई बोलता नहीं, केवल कल्पना है, कलयति चिंतन। अनात्मा का जो गुण है, शरीर का जो गुण है, गुणाध्यास बोलते हैं, धर्माध्यास बोलते हैं, वो आ गया है। ततः काम क्रोध प्रभृति भी मम बंधन गुण ही उस तादात्म्य स्थापित कर लेता है। मैं शरीर हूं समझना ही तादात्म्य है। तादात्म्य की परिभाषा क्या बताया, तत् आत्मा इति मन्यते, यही तत् माने शरीरम, शरीर ही आत्मा, शरीर को आत्मा मानना, शरीर को आत्मा मानना यही है। इसलिए देखो यहां पर लिखा क्या, अहम इति शरीरम कलयति, यही तादात्म्य, मैं शरीर हूं ये सोचता। फिर क्या होता है, तथा काम क्रोध प्रवृत्ति भी अमू बंधन गुण ही। उसके बाद रजस गुण शुरू हो जाता है। पहले जब समझ लेते आवरण शक्ति, 139 में आवृत्ति शक्ति बताई थी, देखो 139 में आवृत्ति शक्ति, और आवृत्ति शक्ति में तम गुण है, और विक्षेप शक्ति में रजोगुण, इसलिए रजोमय रजोगुण है। तथा काम क्रोध प्रवृत्ति भी अहम बंधन गुण ही परम विक्षेप आख्या, आख्या मन नाम प्रसिद्ध रजस पूर्व शक्ति व्यथयति। पूर्व शक्ति मान बड़ी शक्ति कष्ट देती है, रजस तमस के अपेक्षा रजस वो दुख देती है। क्यों कैसे, अच्छा सुसुप्ति और स्वप्न, स्वप्न अच्छा स्वप्न देखोगे तो ठीक है, मगर स्वप्न देख रहे हो कोई सांप तुमको मारा, छत से गिरा, तो डरा भावना होगा कि नहीं, क्योंकि जो स्वप्न है वो रजस है विक्षेप वाला, और जो सुसुप्ति वो तमस वाला है आवरण वाला, आवरण में दुख नहीं देता है बल्कि सुख मिलता है सुसुप्ति में, क्योंकि आनंद स्वरूप है, और तमस मिला हुआ है वो केला छिलका के साथ केला खाने का जैसा। तो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं तमस और रजस से, रजस ज्यादा दुख देती है,
कुछ ना करना दुख नहीं देगा, गलत करना दुख दे देगा, है कि नहीं? आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो जो नियम है आप पालन कर रहे हैं, यू विल नॉट बी ए इशू। सवेरे समाधिया, मॉर्निंग क्लास के सब आ रहे होते, ठीक टाइम पर आ रहे, स्वामी जी आने से पहले आ जाते, सब बैठ जाते, नो इशू। कुछ गलत कर दिया, बुलाऊं उसको। तो गलत करने से मुश्किल होता है, इशू बन जाता है। व्यवहार में भी ऐसे कुछ नहीं करना, चुप। तो कहते हैं ये जो विक्षेप शक्ति है ना, ये उरु शक्ति है, यथायति बहुत कष्ट देता है। आगे बताते हैं ये विक्षेप शक्ति कैसे दुर्भाग्य है, मनुष्य को कष्ट देता है। महामोह ग्राह ग्रसन गलितात्मा भगवनः, धियो नानावस्था स्वयं विनयं तद गुणतया। अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधो, निमज्जन मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सित गतिः। देखो आचार्य जानते हैं ये पाठ बहुत कठिन है, मैं अध्यास अध्यारोप बंधन कष्ट के बातें बता रहा हूँ। सोचा हुआ मैं इन लोगों को जो शिष्य को पढ़ा रहा हूँ मैं अट्रैक्शन कैसे कर सकता, तो कहते हैं सर अच्छे अच्छे छंद में लिखूंगा तो थोड़ा गीत गाएंगे तो थोड़ा अच्छे से लगेगा। महामोह ग्रह ग्रसन गलितात्मा भगवनः, क्या हो गया आप ही गा रहे हो खत्म। तो आचार्य का कितना सुंदर शैली देखना, कैसे क्या रस तेज हो जाएंगे बच्चे सुनते, काव्य कविता भी है और सिद्धांत भी है। क्या सिद्धांत देखना, और कविता तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, चेंज कर देते हैं छंद अलग अलग। जिस व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो गई, बुद्धि प्रसन्न ग्रसन गलित निगल गया है, क्या है आत्म अवगमन, आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, अवगमन निगल गया है, कौन ना एक क्रा है मगरमच्छ है। महामोह, उस ग्राह का नाम क्या है महामोह, मोह महान मोह, बहुत बड़ा मोह। अज्ञान का ही कार्य मोह है, याद रखना अज्ञान का कार्य मोह। मोह माने क्या है, जो नहीं है उसको समझना, उसको मोह कहते हैं। ज्यादातर हम व्यवहार में मोह किसे बोलते हैं, अटैचमेंट। इंग्लिश में मोह को डेल्यूजन बोलते, जो मोह है वो डेल्यूजन, एल्यूजन डेल्यूजन, ये दो शब्द आएगा। मोह रेली अज्ञान का कार्य। तो महामोह ग्रह ग्रसन गलित आत्म अवगम, आत्मा के ज्ञान को नष्ट कर लिया। आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, पहले भी एग्जांपल दिया बादल जो ढक लेता है सचमुच नहीं ढक सकता, राहु अर्क राहु निगल जाता है, कहानी जब हम देखते हैं सचमुच नहीं कर सकता, केवल हमारी दृष्टि से दिखाई दे रहा। धियो नाना अवस्था विभिन्न स्थितियां में लग रहा है इसे,
इस प्रकार व्यवहार करने लगता है कि निकल गया है। बुद्धि की मानो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसके आत्म तत्व की प्रकृति स्वभाव हो, विषय विषय से पूरी ये भवसागर में डूबता उतरता हुआ धक्के खाता रहता है। जीवात्मा के एग्जाम्पल देते हैं, अपारे शक्ति मन तीसरा चरण, अपारे संसार, संसार जो अपार है, विषय उसे पूरे जलने दो। ये जो अपार संसार है ये जलने दो है, सागर है, विषय विषय पूरे सागर में पानी है, मगर यहां पर सिर्फ विष ही है, जहर ही जहर है। रामचरितमानस कठिन है, थोड़ा सा समझाने के लिए जाएंगे रामचरितमानस तभी समझ में आएगा। किष्किंधा कांड, सब वानर लोग बड़े एक्टिव थे, दक्षिण की तरफ जा रहे, हनुमान है, जाम्बवान है, अंगद है, अंगद कमांडर इन चीफ, कैप्टन बना दिया गया। हनुमान जी अभी कुछ नहीं है क्योंकि वो मैन ऑफ द मैच बनने वाले हैं, इसलिए चुपचाप है। जो मैन ऑफ द मैच बनता है चुपचाप रहता है, जो कैप्टन बनता है वो डिंग हंग करता है। अब देखना, जब कैप्टन नहीं बने हैं तब तक बढ़िया खेलते हैं, जिस दिन से कैप्टन बन जाते हैं बुरी है होता है, जिस दिन से लीडर बनते हैं लगता है फिर याद नहीं रहता स्वामी जी, तो मन विक्षिप्त रहता है, होता है। हनुमान जी रिलैक्स, रास्ते में जाते हैं कोई एक असुर मिलता है तो बोलता है ये रावण है मारो, तो मर गया, तो बोलते ये रावण नहीं हो सकता, कैसे जल्दी मर गया। बड़ा मस्ती करते बंदर है ना, समाधि के से कैसे जाता है देखा बंदर। अच्छा पहुंचते 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 वो बीच में कहानी आती है, वो स्वयं प्रभा के पास जाते हैं, फिर उसके बाद समुद्र के किनारे आते हैं। मेरे पॉइंट यहाँ लगा, समुद्र के किनारे बहुत हैरान पड़ गए, कुछ लोगों ने बोलने लगा क्या अच्छा था वो स्वयं प्रभा, वहां पर तो तालाब था, फ्रूट्स था, फल था खाने का, अभी इधर आ गए, अब ये समुद्र में अगर हम कूदेंगे भी अंदर ही डाल मरेंगे, और ये समुद्र का पानी कौन पिएगा, समुद्र का पानी क्या है, खारा है। यही चीज मैं बताना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं, ये जो पानी है ये विषय उसे पूरे, ये जो संसार रूपक सागर है ये विषय विषय ये विषय ही तो है, संसार इज इक्वल टू विषय, और विषय क्या है, विषय। फिर निमज्जन मज्जायम शब्द देखना, डूबते हुए उन्मन्न ऊपर उठते हुए, डूबते ऊपर उठते, डूबते ऊपर उठते, कभी अंदर कभी ऊपर जाते हैं, यही इधर उधर से रह जाता है। ये उल्टी बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या दुर्भाग्य है, क्या करें, यही दुर्भाग्य, क्योंकि ये अज्ञान के कारण होता है। अब आगे बताते हैं, भानु प्रभा संजनिता प्रपंक्ति, भानु तिरोधाय विजृंभते ययाद्यका, आत्मोदिताहं कृतिरात्मतत्त्वम्, तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं, भानु प्रभा संजनिता, संजनिता प्रपंक्ति, भानु मन सूर्य, जैसे सूर्य की किरणों से निर्मित बादल उसी सूर्य को आच्छादित कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा, विचार कर रहे थे बादल कैसे उत्पन्न होते, सूर्य के किरणों से,
और बादल जब आता है उसी सूर्य को ही ढक देते हैं, तिरो देते हैं, विजृंभता लक्षित होते हैं। वैसे ही आत्म उदित, आत्मा से उदित ये अहंकार, आत्मा से उदित ही ये अज्ञान, आत्मा से उदित ही ये तादात्म्य क्या कर देता है, तिरोधार आच्छादित कर देता है और विजृंभते प्रकट हो जाता है स्वयं कौन, अहम। अहम माने जो अहंकार, ये शरीर खुद को छिपा देता है। आत्मा का स्वरूप क्या है, अजर और अमर, आयात मोने शरीर, और शरीर लेकर के शरीर का धर्म क्या है, मरना। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मरता हूं, वो पीछे रहेगा। कभी कभी देखे होंगे जो थोड़ा सा विलियन है वो हीरो को पीछे कर देता है, विलियन आ जाता है आगे। या कभी कभी देखोगे जो मुनि है वो मुनि भी इतना एक्टिव हो जाता है और जो मेन मालिक है वो चुप है। तो आत्मा हम मेन मालिक है और हमारे जो मुनि है ये शरीर मन बुद्धि ये एक्टिव हो गया, ड्रामा यही कर रहा है, फोकस वो आ गया है, स्पॉटलाइट यही हो गया है, ये सब लिंग हंगा मार देता है अनात्मा, और आत्मा छिपा हुआ है। पोस्टिंग किसने, मुनीब को किसने किया, मालिक ने, और मालिक को ही कंट्रोल करता है। आप इधर नहीं जा सकते, आप उधर नहीं जा सकते, ये बॉलीवुड में होता है पता है। बॉलीवुड में जो हीरोइन है वो हीरोइन 1 लाख दे करके प्राइवेट सेक्रेटरी रखते हैं। तो प्राइवेट सेक्रेटरी क्या करता है, नचा देता है, नहीं आप यहां नहीं जा सकते, आप यहां नहीं जा सकते। तो ये हमारी आत्मा की स्थिति है। सुंदर एग्जाम्पल, बादल सूर्य किरण से उत्पन्न होता है, बादल देखा जाए तो बादल हटा नहीं सकता, मैंने ढक नहीं सकता, केवल हमारी दृष्टि है। कोई अनात्मा आत्मा को हटा नहीं सकता, अनात्मा ही नहीं आत्मा की दृष्टि से, हम ये भ्रांति ही कल्पना है, हमारे मन का खेल है, मन में है। वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, एडिंगटन ने कहा, सुंदर है पाश्चात्य विचारक ने कहा है, एडिंगटन का, उन्होंने वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट, जगत वस्तु नहीं है, जगत क्या है, विचार है, विचार के द्वारा। पंचदशी में आएगा, एक होता है ईश्वर कृत और एक होता है जीव कृत और एक होता है मिश्र कृत, पता नहीं पंचदशी आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं, समय होगा कि नहीं, कोर्स ना धीरे धीरे कम साल हो गया, पहले तो 5 साल था गुरुदेव ने शुरू किया, फिर उसके बाद 3 साल हुआ, फिर उसके साथ 2.5 साल, अभी 2 साल में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी हो जितना मिलता है उतना खुश होना चाहिए। पहले दूध बड़ा ग्लास में मिलता था, छोटा ग्लास में मिलता था, फिर भी खुश होना चाहिए, खुशी होने के खुश होने का सूत्र। पंचदशी में क्या बताते पता है, एग्जाम्पल ले रहे, जो स्त्री है ना वो ईश्वर ने बनाया और उसको जो पत्नी बना देते हैं वो जीव ने बनाया, समझ में। सब्जी जो है ना वो ईश्वर ने बनाया, वो जब तीखा मसाला बना देता है और आज नमकीन है वो किसने बनाया, वो जीव ने बनाया। और जस न लगा दो जीवन बनाया, जीव जीवन, इसलिए मैंने बुलाया उसको, और इसको कहा कि थोड़ा भिंडी ला दो, देखे मैं खाता नहीं तो खा कर सच के लिए। दाल कभी कभी मुझे, तो दाल अपने आप में सस्य है, जो बना देता है खराब अच्छा कौन बनाता है, जीव कृत। तो कहते जो भगवान के वस्तु है ना वो बंधन नहीं है,
हमने जो बना देते हैं वो बंधन कर बन जाता है। एग्जाम्पल देखना, जो स्त्री है वो भगवान ने बनाया, और पत्नी किसने बनाया? जीव ने। मां किसने बनाया? जीव ने। भाई किसने बनाया? जीव। दुख का कारण किसने बनाया? जीव। सुंदर है ना। और मिश्रित माने ईश्वर भी बने, जीवित जीव ने बनाया मिला करके। मैंने एक एग्जांपल दिया था क्या, एक साइंटिस्ट एक दिन गॉड से मिला, द कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने कहा कि गॉड गुड मॉर्निंग, भगवान ने कहा कि हरि ओम। साइंटिस्ट का काम मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूं, आप हरि ओम कह रहे हो, मेरी आदत है। क्यों? मेरे भक्त लोग मुझे हरि ओम हरि ओम हरि ओम करके ना, मेरी आदत हो गई हरि ओम। अच्छा भगवान आपका क्या जरूरत है इस संसार में, आपको क्यों अननेसेसरी गॉड 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 बोलते हैं, पूजा करते हैं, जरूरत नहीं। कैसे? हम भी साइंटिस्ट, हम भी बना सकते हैं। परीक्षा कीजिए, लेट अस हैव अ टेस्ट। अच्छा एक काम करो, खिलौना बना करके तुम उसमें जीवन दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। अच्छा देखिए मैं करता हूं, मिट्टी उसने ले लिया, ये मिट्टी मैंने बनाई है, तो मेरे मिट्टी मत लेना, तुम्हारा अपना मिट्टी लाओ। हमें अपना मिट्टी कहां से लाओ? बस यही है, अर्थात रॉ मटेरियल किसका है? भगवान का। उसको लेकर के उल्टा पुल्टा कर देते और कह देते कि मैंने बनाया। रॉ मटेरियल भी तुम्हारा हो सकता है क्या? ना नहीं। आकाश बना सकते? नहीं। वायु बना सकते? नहीं। अग्नि बना सकते? नहीं। तो पंच महाभूत नहीं बना सकते। तो ईश्वर कृत जीव, जो जीव कृत होता है ना वो कल्पना है, मगर जो मिश्र कृत होता है, समझ में आई? ध्यान से देखो, जो लड़की है, जो वुमेन है, या तो सब्जी का एग्जांपल, जो सब्जी है रॉ मटेरियल, वो ईश्वर कृत है। उसको फिर हम क्या कर देते हैं? जीव कृत बना देते हैं अपने ढंग से स्वाद के लिए। इसको बोलते हैं मिश्र, मगर जो अपने मन में बनाया है वो पक्का जीव कृत कल्पना है। इसलिए तीन कृत समझ में आ रहा है ना, सृष्टि जीव सृष्टि, मिश्र सृष्टि और जीव सृष्टि, मिश्र सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू एक्सेप्ट इट जैसे जैसे बनाया। रामचरितमानस सुंदर कांड लास्ट में भगवान बैठे हुए गर्भासन में, समुद्र से मांग रहे, अनुरोध कर रहे, समुद्र देरी में आया, गुस्से हुए, तुरंत आ गया। तो भगवान आपने ही बनाया इसे, है ना, क्षेत्र पांव को याद है, आपने इसे बनाया जड़। मैं जल हूं, मैं जड़ हूं, मेरा धर्म है। तो भगवान ने इसे बनाया सिस्टम, एक्सेप्टेड एंड देन रेस्पेक्टेड, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट। एक बार ईश्वर कृत में समझ गया यथा ज्ञानम तथा वस्तु, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नहीं जानते थे, तक लेते जान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको लेकर के आपने कुछ मिलाया, वो आपने बनाया, आपको पता है। तो वो मिश्र सृष्टि हुई, मगर जो जीव सृष्टि होना वो कल्पना है। ये जो अना शरीर है अपने आप में, एज इट, ध्यान से सुन, अपने आप में जो शरीर है ये ईश्वर सृष्टि है कि जीव सृष्टि है? जल्दी बोलो, शरीर जीव सृष्टि ना ईश्वर सृष्टि है? ईश्वर सृष्टि, और शरीर को मैं मानना, प्राण ईश्वर है कि जीव सृष्टि है? मगर मैं भूखा प्यासा हूं मानना, मन ईश्वर सृष्टि है कि जीव सृष्टि है? शरीर अगर ईश्वर सृष्टि हो गया, फिर मन भी किसका है? अंतःकरण अनादि है,
ईश्वर सृष्टि, मगर अंतकरण को मैं मानना क्या है, जीव सृष्टि, वो याद रखना। यही ये कहते हैं कि हम अनात्मक जो मैं मान लेते हैं, ये दुख का कारण है। ओम पूर्णमदः।